हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने बनाया है मैंगो शेक, और मैंने ये किस तरीके से तैयार किया है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और इसमें मैंने ओमेगा थ्री भरपूर जिससे बनता है ओमेगा थ्री, उस वो मैंने इसमें चीज डाली है। और आप वीडियो में देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि मैंने क्या डाला है। और आप जानते हैं उस चीज़ को सबके घरों में मिलता है, आजकल सब यूज़ करते हैं। और चलिए दिखाती हूँ उसकी रेसिपी। मैंने लिया है बड़ा साइज़ का एक आम, जो पके हुए आम चल रहे हैं आजकल, सीज़न है आम का, तो ये बिल्कुल अच्छे से पका हुआ आम था। मैंने इसको धोकर छील लिया है, और ये देखिए इस टुकड़े में इस तरीके से काट लेंगे। और मैंने लिया खजूर, खजूर में ना तो मैं चीनी डालूँगी ना गुड़ डालूँगी, मैं डालूँगी खजूर। खजूर से एक तो फाइबर मिलता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैं पहले खजूर जार ले लिया मिक्सी का, मैं पहले खजूर डालूंगी और उसके बाद डालूंगी आम। आम ये डालने से पता क्या है, इस ये ब्लेड में एक साथ नहीं चिपकेंगे, तो साथ ही जब मुझे इसी में ही मिलाना है तो मैं क्यों ना एक साथ पीस लूँ। मैंने इस तरीके से मैंने एक साथ इसमें जार में डाल दिया है। और देखिए अगर हम अलग पीसते हैं तो ये जार में चिपक जाता है, निकालना मुश्किल हो जाता है। और मैंने ये इसमें ही डालकर एक साथ पीसूंगी, और सारे आम मैंने जार में डाल दिए हैं। सीज़न है, फ़ायदा उठाइए। और मैंने लिया है ये कंटेनर दूध, जो कंटेनर में आता है डब्बे में, और अमूल ताज़ा दूध, ये मैंने इसमें मैं डाल दूंगी। दो से छोटे वाले जो गिलास होते हैं ना, छोटे वाले, वो दो या तीन, इस तरीके से मैं अंदाजे से डाल दूंगी दूध, एक साथ पिस जाएगा। ये देखिए हमारा मिक्सी में ये पिस चुका है, इस तरीके से लिक्विड बन गया, एक दूसरे से मिल गया है। खजूर भी पिस गए हैं, आम भी पिस गए हैं, और दूध भी हमारा मिक्स हो गया है। ये मिल गया मैंगो शेक, ये दिखाती हूँ मैं। और इस तरीके से आप घर में ही बनाकर पियेंगे, 3 से 4 गिलास आराम से बन जाएंगे। बाहर पियेंगे 50 रुपये का एक गिलास आता है। और ये देखिए मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। और हम मैंने ये चिया सीड भिगोई थी, चिया सीड में ओमेगा थ्री भरपूर मिलता है, और ये फैट को भी कम करता है, डायबिटीज में बहुत अच्छा है ये। और आप इसे रात को भिगो कर सुबह खाली पानी में मिलाकर पी सकते हैं, तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये मैंने डे नाइट रखा था भिगोकर, तो सुबह मैं मैंगो शेक में यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने एक एक दो दो चम्मची इसमें मैंने डाल दिया है, और अब मैं डाल दूँगी शेक। शेक डालकर ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, कितने अच्छे गिलास लग रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सर्व कर देती हूँ, क्योंकि चिया सीड है तो ऊपर भी डालेंगे तो और भी अच्छा लगेगा शेक पीने में। और ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर, गिलासों के अंदर। ये जो मैं छोटे गिलास के तरीके कप हैं, ये बड़े कप हैं, ये कांच के हैं, इससे लुक बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें मैंने लिया है गुलाब की पत्तियाँ होती हैं ना, वो सुखा के रखी हुई है मैंने, वो मैंने डाल दी है। और मैंने बीज भी रखे हुए हैं निकाल कर, हर तरह के बीज, अलसी के हैं, सूरजमुखी के हैं, खरबूजे के हैं, ये मैंने डाल दिए गुलाब की पत्तियाँ, इससे लुक बहुत अच्छा आता है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। किसी भी मिठाई में, किसी में भी डालेंगे आप, ये तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये डाल दिया मैंने किशमिश, सब मिक्स है इसके अंदर, ड्राई फ्रूट। और ये मैंने इसके ऊपर सजा दिया है काजू, इस तरीके से। आपके पास बादाम वगैरह कुछ भी घर में ही बना रहे हैं तो कुछ भरपूर अच्छे तरीके से भी आप डालेंगे और पियेंगे, बच्चों को पिलाएंगे, सबको, बड़े छोटे, गेस्ट जो भी इसको यूज़ करेगा, बहुत ही यम्मी तरीके से बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए कितना अच्छा डिलीशियस लुक आ रहा है, जैसे कोई रेस्टोरेंट में बैठ कर हम पी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। ये मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ, सब ने वाह वाह करा था, इसलिए मेरे को इसके बारे में पता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा
अच्छा बना है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा। और ड्राई फ्रूट ऊपर से डाले हैं, वो भी बहुत लुक अच्छा आ रहा है। इससे प्रोटीन मिलने वाला है बहुत अच्छा, दूध भी है इसके अंदर, जो कि हमारे विटामिन डी मिलता है जिससे। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक देना ना भूलिए। और जो सब्सक्राइब के साथ में बेल लगी रहती है उसको प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और ट्राई ज़रूर कीजिए दोस्तों, कमेंट्स में बताइए आपका मैंगो शेक कैसा बना। प्लीज़ प्लीज़ लाइक दीजिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।